ज्योति बाबा ने युवाओं को नशे से मुक्त होने के लिए कौशल किशोर राज्य मंत्री के यहाँ की प्रेस वार्ता। राजधानी लखनऊ में 23 जुलाई को ज्योति बाबा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि युवाओं के लिए जो राज्य मंत्री कौशल किशोर रावत ने जो अभियान चलाया था, कौशल किशोर अभियान की 100 दिन पूरे हो गए हैं। इसी पर उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि युवाओं को नशा मुक्त होने के कई ऐसे तरीके जो देश के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने यह भी कहा कि आए दिन बड़ी बड़ी कंपनियां एडवर्टाइजिंग करते रहते हैं, एडवर्टाइजिंग में अभिनेता लोग भी शामिल रहते हैं। ज्योति बाबा का कहना है कि इन सभी चीज़ों पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। प्रेस वार्ता में मुख्य भाग लेने वाले प्रमुख जनप्रिय विधायक जय देवी कौशल, भूपेश सिंह आज सभी लोग वहां पर उपस्थित रहे। डी भारत न्यूज से संवाददाता विजय मिश्रा की रिपोर्ट। एक बड़ी चैरिटी का भी आयोजन करने जा रहे हैं हम लोग, ड्रग फ्री इंडिया फ्लैग, पहली बार देश में पहली बार हम लोग 3.5 करोड़ लॉन्च करने जा रहे हैं। वो स्कूलों के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के जितने स्कूल हैं, क्योंकि वो बच्चा गर्व से कहे आई एम ड्रग फ्री इंडिया, जब तक बच्चा नहीं कहेगा हमारी बात, हम तो कह रहे हैं नशा मुक्त हो, लेकिन जब तक बच्चा नहीं कहेगा। अब नशे की वैरायटीज में आ गए, आज से 20 साल पहले नशा कुछ क्षेत्रों में कुछ चीज़ों में नशा होता था। अभी हाल में आपने पढ़ा होगा आपकी खोपड़िया जो है वो नन हो जाएगी। कलकत्ता में एक शहर के अंदर कंडोम का नशा हो रहा है। अब आप पूछेंगे ये क्या चक्कर है, तो वो कंडोम जो है, जो उसमें एसेंस है, उसको एक सर्टेन अमाउंट पर गर्म पानी में रखने के बाद वो अल्कोहलिक हो जाता है। मतलब उसके जो वो हैं वो बदल जाते हैं और वो अल्कोहलिक हो जाता है और सस्ता पड़ता है। लोगों को एक नया टेस्ट मिला और वहाँ के जो बताते हैं दुकानदार कि जो हम पहले पर डे 4-5 बेचते थे पैकेट, अब पूरे पूरे बकेट चले जाते हैं, बंडल बिक जाते हैं हमारे और हमें सप्लाई दे नहीं पा रहे। तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि नशे की वैरायटी, जैसे कि जिम ग्रूमर, वाइटनर और आपके मेट्रो, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान, कौशल काकर नेशनल ब्रांड एम्बेसडर और प्रदेश प्रभारी योग गुरु ज्योति बाबा, आपको नमन करता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय कौशल किशोर जी ने एक साल कुछ माह पहले एक संकल्प लिया था कि जिस प्रकार से मेरा पुत्र शराब के नशे के कारण जिसको अकस्मात जिसकी मौत हुई, और उसके कारण उन्होंने एक संकल्प लिया कि पूरे देश में अब मैं किसी भी माँ के लाल को नशे के रोग के कारण मरने नहीं दूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल काकर, जिसमें तमाम सारी संगठन पूरे देश की आज जुड़ने जा रही हैं, उसी कड़ी में मेरे साथ अभी मंच पर आपके पत्रकार वार्ता मेरे साथ पाएँ आदरणीय विकास किशोर जी, माननीय कौशल किशोर जी के सुपुत्र हैं। और नशा मुक्त समाज आंदोलन में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपने जितना ज़मीनी काम किया है उतना काम, इनकी वैरायटी अलग है, ये शराब नहीं पी रहे, किसी पब में नहीं जा रहे, लेकिन इनकी वैरायटी अलग है। दूसरा, एक हम लोगों का बड़ा गलत कल्चर शुरू हो रहा है, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त कर रहा है, दैट इज कॉल्ड हुक्का बार। शादियों में हुक्का चलने लगा, उसकी वैरायटी चलने लगी, बड़े कम करते हैं, छोटे बच्चे जो अभी 6-7 साल के आओ और चले जाओ और बढ़िया, उसने 2 पैक मान लिए, वो बच्चा जिसने एक बार दो बार पी लिया, और वो जो टोबैको इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्योर निकोटिन एसेंस के रूप में कर रहे हैं। मतलब निकोटिन टोबैको से मिले वो जरूरी नहीं है, वो सीधे एसेंस निकोटिन के रूप में ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी नशे की कैपेसिटी 1-2 बार में वो एडिक्शन पैदा कर रही है। इसलिए आप सबके सामने मैं बार बार नम्र निवेदन करता हूँ, ये आपका आंदोलन, आपका अभियान, हम बहुत कुछ आप लोगों के लिए नहीं कर सकते,
ना हमारे पास क्षमताएं हैं, लेकिन ये विश्वास दिलाते हैं, मैं पिछले 35 साल से नशे के खिलाफ अभियान चला रहा हूँ। आप अगर लगातार जानते होंगे कानपुर में किसी भी जगह खड़े होकर चिल्लाओ ज्योति बाबा नशा मुक्त अभियान, तो लोग बता देंगे नशा मुक्त अभियान मतलब ज्योति बाबा, मतलब पर्याय वो पर्याय। वो पर्याय एक दिन में नहीं है। वी हैव डन 5000 प्रोग्राम्स ऑल ओवर इंडिया। वी हैव डन प्रोग्राम विद आपके रोटरी, आपके लॉयर्स, आपके अलायंस, आपके शांतिपुंज परिवार, मतलब जितने भी सिस्टम मौजूद हैं उन सभी के साथ मिलकर के हमने कार्यक्रम किए। मुझे बड़ा गर्व है कि देश में आज़ादी के बाद पहला एक ऐसा मंत्री है आपका, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री है जो नशे के खिलाफ दहाड़ता है, नशे के खिलाफ खुलकर बोलता है, नशे के खिलाफ आपके बच्चों की बात करता है। एक मिनिस्टर का नाम बताओ, एक विधायक का नाम बताओ जो खुले मंचों से खुले आम ये कहता हो कि नशा नहीं करो, हम आपके बच्चों को नशे से बचाने आए। उसी श्रृंखला में अभी हम लोग 9 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे देश को देने जा रहे हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हम लोग 25,000 लोगों के गैदरिंग के साथ एक संकल्प दे रहे हैं वहाँ पर कि हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो, और पूरे देश के लोग वहाँ पर संयोजित हो रहे हैं, वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पर आ रहे हैं, और एक साथ पूरे देश को एक मैसेज ये कि 9 अगस्त 1942 को जिस प्रकार से भारत